1997 में रोबर्टो कार्लोस को एक फ्री किक लेनी थी, लेकिन दिक्कत यह थी कि उनके और गोल पोस्ट के बीच में डिफेंडर्स खड़े थे। फिर भी उन्होंने किक ली और बिना किसी और की हेल्प के गोल कर दिया। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। तो सवाल ये है कि बॉल हवा में डिफ्लेक्ट कैसे हुई। दरअसल बॉल को किक करते टाइम उसमें एक स्पिन भी दी जाती है। जब बॉल घूम रही होती है तो उसके साथ साथ हवा की एक लेयर भी घूम रही होती है। ये घूमती हुई हवा की लेयर जब सामने से आने वाली हवा से टकराती है तो कुछ जगहों पे हवा की स्पीड बढ़ जाती है और कुछ जगहों पे कम हो जाती है। फ्लूइड डायनेमिक्स के लॉज के हिसाब से जहां हवा की स्पीड ज्यादा होती है वहां प्रेशर कम हो जाता है, और जहां स्पीड कम होती है वहां प्रेशर बढ़ जाता है। इस प्रेशर डिफरेंस की वजह से एक साइडवेज फोर्स लगती है और बॉल हवा में डिफ्लेक्ट हो जाती है। इस इफेक्ट को मैग्नस इफेक्ट कहते हैं और ये क्रिकेट, वॉलीबॉल, टेनिस, टेबल टेनिस और बहुत सारे स्पोर्ट्स में यूज होता है।